स्टूडेंट यू वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास। आई एम माधुरी भारद्वाज, आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट अवर लेसन नंबर 2। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम सब साथ में हैं तो हमें मरने का भी डर नहीं होता है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। इन जुलाई 1976, जुलाई में 1976 की बात है। माई वाइफ मैरी, मतलब मेरी वाइफ मैरी, सन जॉनथन, मतलब बेटा जॉनथन, डॉटर सुजैन, 7 ईयर्स, मतलब ये 7 साल की थी। जो जॉनथन बेटा है वो 6 ईयर्स का था। एंड सेट सेल फ्रॉम द प्लिमाउथ इन इंग्लैंड टू द डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वे, मतलब जो यात्रा थे वर्ल्ड की यात्रा पर निकलने वाले थे। मेड द 200 ईयर्स अर्लियर बाय द कैप्टन जेम्स कुक, 200 साल पहले ही जो कैप्टन जेम्स कुक थे, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मतलब वो बहुत पहले से सोच रहे थे। मैरी एंड आई एट द 37 ईयर्स, मैरी और वो कितने साल के थे, 37 साल के थे। ओल्ड एंड द बिजनेस मैन हैड द रेंट ऑफ द सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास 16 ईयर्स वी हैड द स्पेंड ऑल अवर लेजर टाइम। उन्होंने जो 16 साल हो गए, उन्होंने अपना जो लेजर टाइम है वो लेजर टाइम अपना बिताया। एंड वाइंग अवर सफरिंग द स्किल द ब्रिटिश वाटर अवर बोट वन वॉकर 23 मीटर, मतलब उनकी जो बोट थी वो कितने मीटर लंबी थी, 23 मीटर लंबी थी और 30 टन वजन की थी, मतलब उसमें वजन इतना था। वुडन और ब्यूटी हैड बीन द प्रोफेशनली बिल्ट, प्रोफेशनली इसको बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग, और कम से कम 1 महीना उसको फिटिंग करने में लगाया गया था। इट आउट ऑफ द टेस्टिंग इट इन द रफेस वेदर, मतलब ऐसा बनाया था उसको कि यदि वेदर ख़राब हो तो भी वो वर्क कर जाए। वी कुड फाइंड द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 ईयर्स, मतलब उनका ऐसा प्लान था कि 3 साल तक वो चल जाए। 105,000 किलोमीटर जर्नी, मतलब उनको लगभग वो इतनी जर्नी कर चुके थे, वो पास कर चुके थे। इन द प्रेजेंटली वी एट सेल डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन, मतलब उनको वेस्ट कोस्ट से अफ्रीका से केप टाउन तक जाना था। एंड देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक द 2 क्रूमैन एन अमेरिकन मैरी विजर एंड द स्विस हब्स सेलर टू द हेल्प टू द टेकल, मतलब इन्होंने हेल्प करी इसको टेकल करने में। वन ऑफ द वर्ल्ड टफेस्ट सी, मतलब जो कि दुनिया का बहुत बड़ा जो सी था उसको पार करना चाहते थे। इन द साउथर्न इंडियन ओसिन, और ये कौन सा ओसिन था, जो इंडियन साउथर्न ओसिन था, क्योंकि वो पार करना चाहते थे। वन आवर स्कोर डे इन आवर सेकेंड डे, मतलब दूसरे दिन की बात है, आउट ऑफ द केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर, उन्होंने इनकाउंटर करना स्टार्ट कर दिया। एंड स्ट्रॉन्ग गेल फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, मतलब और उन्होंने नेक्स्ट फ्यू वीक के लिए करना चाहते थे वो। एंड दे ब्लू कंटिन्यूसली, और उन्होंने कंटिन्यू मेहनत स्टार्ट कर दिया। एंड गेल डिड नॉट वरी मी, उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज द अलार्मिंग, और जो जो वेव्स का जो साइज था और मतलब उसे अलार्म लगा दिया था अप टू द 15 मीटर, मतलब 15 मीटर के लिए था, हाई एज द मेन मास्ट। December 25 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन, मतलब December 25 को पता चला कि वो किस जगह पर हैं, केप टाउन पर हैं। केप टाउन से कितने, 3,500 किलोमीटर हैं। डिस्पाइट द एट्रोसियस वेदर, मतलब जहाँ का जो वेदर है वो कैसा है, बहुत ख़राब है। एंड वी हैड टू द वंडरफुल हॉलीडे कम्प्लीट, और उन्होंने अभी अभी अपना जो हॉलीडे है वो कम्प्लीट किया था विद अ क्रिसमस ट्री, वो भी क्रिसमस ट्री के साथ में। न्यू ईयर्स डे, मतलब न्यू ईयर्स जो था वो आने वाला था, सा नो इम्प्रूवमेंट, परंतु फिर भी जो मौसम है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन द वेदर बट
वी सोर्स दैट इट हैड टू द चेंजेस सून, मतलब ऐसा उम्मीद थी कि वो बदला जाएगा परंतु मौसम बदला नहीं रहा था, एंड इट डिड नॉट चेंज, परंतु वो बदला ही नहीं रहा था, फॉर द वर्स, और दिन पर दिन खराब होते जा रहा था, मतलब मौसम ठीक नहीं हो रहा था, मौसम खराब होते जा रहा था। इट डाउन ऑन द जनवरी 2, मतलब 2 जनवरी को द वेव्स वर द जिगेंटिक, और जो वेव्स थी वो बहुत तेज़ी से आती जा रही थी, एंड वी एयर द सेल सेलिंग विथ ऑनली द स्मॉल स्टॉर्म, और जो सेलिंग थी वो हम बिल्कुल तूफान में ही करते जा रहे थे, एंड द जिप एंड द वर स्टिल मेकिंग द 8 नॉट, उन्होंने इसमें 8 नॉट लगा रखी थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स एंड वी कुड बी सी द एंडलेस द इनॉर्मस सी, मतलब जो समुद्र वो बहुत बड़ा समुद्र हम देख सकते हैं उसको, एंड द रोलिंग टू वर्ड अस, और वो जो रोलिंग कर रहा था वो हमारी तरफ आ रहा था, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वॉज द पेनफुल, और टू द ईयर्स एंड द स्लो ऑफ द बोट डाउन टू द ड्रॉप द स्ट्रॉम इफ द लेस द हैवी मॉर्निंग एवरी थिंग वेंट द थोरो द लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच टू द लाइफ लाइन, मतलब ये जो ड्रिल थी उन्होंने सोचा कि हमारी लाइफ लाइन साबित हो सकती है, एंड डोनेट द ऑयल स्किन एंड द लाइफ जैकेट एंड द वेटेड, मतलब ये उनको लाइफ जैकेट के रूप में साबित हो सकती है उन्होंने ऐसा सोचा। द फर्स्ट इंडिकेटेड द इम्प्लीमेंटिंग द डिज़ास्टर, मतलब सबसे पहले उनको ये लग रहा था कि जो डिज़ास्टर है वो आ रहा है, एंड केम टू अबाउट एट द 6 PM, लगभग 6 बजे की बात है, विद द ओनली साइलेंस, मतलब एकदम जो तूफान के आने के पहले वाली शांति होती है वही समझ में आ रही थी कि इतना शांत है। द विंड ड्रॉप्ड, हवा भी ड्रॉप्ड हो गई थी, एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क, जो बादल थे वो एकदम डार्क हो गए थे, एंड देन बिकम द ग्रोइंग द रॉयल, और ऐसा लग रहा था फटने ही वाले हैं। इन द इनॉर्मस क्लाउड टू वर्ड ऑल ऑफ द शिप, पूरे शिप की तरफ जो काले काले बादल थे पूरे आते जा रहे थे, घेरे जा रहे थे, विद द हॉरर, एंड आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट टू द क्लाउड, और ऐसा रियलाइज हो रहा था कि ये क्लाउड नहीं है, बट इट वेव्स लाइक द अनदर आई हैड नेवर सीन, मतलब ऐसे बादल जो थे मैंने कभी नहीं देखे थे, उनको ऐसा लग रहा था। इट डिसअपीयर टू परफेक्टली द वर्टिकल टू द ऑलमोस्ट ट्वाइस एंड द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रिस्ट, ऐसा लग रहा था कि अब वो ब्रेक करने वाले हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, थैंक यू सो मच।